Hello friends, how are you? I hope you are healthy and living. So welcome back to my channel. Myself, Abhishek Kumar. I am your worthy mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join me there. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. Welcome back in another video. So today's topic is organ and organ system. In our previous video, we discussed about neural tissue. So but now we discuss about organ and organ system. So first we read what written in NCERT textbook. After that, we elaborate each and everything very simple and easy manner. So I hope you really enjoy this video. So let's stop without wasting any time. So now topic is organ and organ system. What is organ? Organ कैसे बनते हैं और organ system कैसे बनता है? मैंने आपको animal kingdom में बताया था कि हमारा जो होता है basic unit of life जो होती है वो हमारी क्या होती है? Cell होती है. पहले मैं आपको बता देता हूँ जो basic unit of जो life होती है वो क्या होती है? Cell होती है. जब हमारी cell मिलके हमारा क्या बनाती है? Cell मिलके हमारी क्या बनाती है? Tissue बनाती है, है ना? Cell मिलके हमारी टिशू बनाती हैं और टिशू हमारे जब मिलके हमारे बनाते हैं ऑर्गन, है ना? और जो ऑर्गन मिलके हमारे बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम मिलके बना रहे हैं. जो हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, यानी जिसमें हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, वो हमारे क्या थे? स्पंज थे, है ना? मैंने आपको बताया था कि स्पंजेस में यानी पॉलीफेरा में जो था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था. तो इसके बाद हमारा सिलेंटेट आ गया, टीनोफोर आ गया, तो उसमें हमारा बहुत एडवांस हो गया थोड़ा, तो उसमें हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, है ना? सेल मिलकर टिश्यू बनाया. उसके बाद प्लेटे एलिमेंट से हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था. उसके बाद हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया. तो हमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? क्यों हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना, यानी ऑर्गन सिस्टम क्यों बना हमारा? उसके लिए क्या है कि हमारी बॉडी में जो होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना? जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बॉडी जो है वो मिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनती है ना. मिलियन ऑफ सेल मिलियन का मतलब होता है वन मिलियन होता है. वन मिलियन इक्वल टू होता है वन मिलियन जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है? यानी उनकी जो बॉडी होगी मिलियन ऑफ सेल्स है. तो ज़रूरी नहीं कि 1 मिलियन से ही मिलके बनी हो, बहुत सारी हो सकती है ना. 2 मिलियन हो सकती है, 3 मिलियन हो सकती है. मिलियंस ऑफ सेल यानी 1 मिलियन का मैंने आपको बताया कि 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है? तो मिलियन ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है, तो सारी की सारी सेल अच्छे से काम कर पाएँ, है ना? मोर इफिशियंट काम कर पाएँ, अच्छे से काम कर पाएँ, और उनका जो कोऑर्डिनेशन हो, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी का मतलब होता है दोनों में समन्वय बनाए रखना, यानी तालमेल अच्छा हो, है ना? तालमेल अच्छा हो उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं हम लोग, है ना? तो वो अच्छे से काम कर पाएँ कि सारे के सारे और सेल जो होंगी उसमें इफिशियंट काम कर पाएँ और उसमें कोऑर्डिनेशन जो हो वो अच्छा हो, इसलिए हमें ऑर्गन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, है ना? ऑर्गन कैसे बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं, मैं आपको बता दिया कि सेल से हमारा टिशू बनता है, टिशू से हमारे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से हमारी इंडिविजुअल बॉडी बन जाती है. तो टेस्ट में देखते हैं क्या लिखा है. द बेसिस टिशू मेंशन एबव ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, है ना? द बेसिस टिशू मेंशन एबव ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन विच इज टर्न एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो इसमें हमको यही बताया गया है कि हमारे जो टिशू होते हैं, टिशू हमारे मिलकर बनाते हैं ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, है ना? सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज, ये हमें इस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज इसेंशियल फॉर मोर इफिशियंट, है ना? ये हमारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो था ये मोर इफिशियंट हो गया, मोर इफिशियंट एंड बेटर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ मिलियन ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो हमारी एक ऑर्गेनिज्म में मिलियन ऑफ सेल हमारी बॉडी मिलकर बनाती हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिलकर बनाती हैं, तो उसमें वो सारी की सारी मोर इफिशियंट तरीके से काम कर पाएँ और उनमें जो कोऑर्डिनेशन हो वो बेटर हो, है ना? उसमें समन्वय जो हो बहुत अच्छा हो, है ना? ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिशू, है ना? यानी ये हमसे बता रहा है कि हमारी बॉडी का प्रत्येक ऑर्गन जो होता है वो एक टाइप से सेल के मिलके बना होता है या एक टाइप से ज़्यादा मिलके सेल से बना होता है. जैसे हमारी हमने देखा एनिमल टिशू में 4 टाइप की सेल हमने देखी, इपिथियल टिशू देखी, है ना? हमने एनिमल में कौन कौन सी सेल देखी, टिशू देखी, इपिथियल टिशू देखा हमने, ठीक है? कनेक्टिव टिशू देखा, मस्कुलर टिशू देखा, और हमने
न्यूरल टिश्यूज ये कहा है ना, तो ये हमारी इंडिविजुअल बॉडी हमारी ये चारों टाइप की टिश्यू से मिलकर बनी हो सकती है या फिर किसी एक से मिलकर बनी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब यही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमको बताया गया है जो हमारा हार्ट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द फोर टाइप ऑफ टिश्यू, है ना, जो हमारा हार्ट होता है उसमें चारों टाइप के ये टिश्यू पाए जाते हैं। आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप ऑफ टिश्यू, कौन कौन से टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू हो सकते हैं और न्यूरल टिश्यू हो सकते हैं, यानी चारों टाइप के टिश्यू हमारे हार्ट में पाए जाएंगे, ठीक है। वी आल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी डेट द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले सर्टन डिसरेनेबल ट्रेंड, है ना। तो ये जब हम केयरफुली स्टडी करते हैं तो हमको ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, पहले हमारा ऑर्गन बना उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बना, तो ये डिसरेनेबल ट्रेंड है ना, डिसरेनेबल ट्रेंड हमको शो करता है। तो डिसरेनेबल ट्रेंड का मतलब होता है एवोल्यूटरी ट्रेंड का मतलब, जैसे हमारे सबसे पहले हमारी सेल बनी होगी, है ना, सेल से हमारा टिश्यू बना होगा, टिश्यू से हमारे ऑर्गन बने होंगे, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बना होगा, तो ये एक मतलब सिक्वेंस में है, है ना। तो इसको हम बोलते हैं एवोल्यूटरी ट्रेंड और डिसरेनेबल ट्रेंड, है ना, इसी को बोलते हैं एवोल्यूटरी ट्रेंड, इसी को बोलते हैं डिसरेनेबल ट्रेंड, है ना। एक मतलब पहले जैसे हमारा इसमें देखो, मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, मैं फिर बताता हूँ। सेल बना, ठीक है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, तो ये एक डिसरेनेबल ट्रेंड। पहले हमारा सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ छोटी सी, है ना, छोटी थी, उससे बड़ा थोड़ा टिश्यू अच्छा मतलब एडवांस हुआ, फिर टिश्यू से एडवांस हुआ हमारा ऑर्गन, है ना, ऑर्गन से एडवांस हुआ हमारा ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है ना, जो रिप्रोडक्टिव होता है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, सर्कुलेटरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड, है ना, सर्कुलेशन के लिए होता है, और जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, जिसमें हम रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन को हिंदी में श्वसन बोलते हैं, ठीक है, तभी जानता है। तो इसके लिए हमारा क्या था, एवोल्यूटरी ट्रेंड हमको शो करता है ना, ऑर्गन बना, ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम बने। यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ थ्री ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट एवोल्यूशनरी लेवल टू शो देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग, है ना। हमको इस चैप्टर में हमको तीन ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़नी होगी। कौन कौन से होंगे वो कौन कौन से होंगे हमारे, वो होंगे हमारे अर्थवर्म हो जाएगा, ठीक है, अर्थवर्म हो गया हमारा, काकरोच हो गया और हमारा क्या हो गया, फ्रॉग हो गया, है ना, जो कि हमारा अर्थवर्म जो होता है वो हमारा एनिलिडा का मेंबर है ना इसमें, और ये हमारा जो कॉकरोच है ये भी हमारा आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। ये फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है जो आर्थ्रोपोडा, है ना, जो एनिलिडा होता है उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मैंने आपको एनिमल किंगडम में बहुत अच्छे से बताया था। और जो फ्रॉग होता है वो हमारा एम्फीबिया का मेंबर है, ठीक है, ये हमारे वर्टिब्रेट्स में आते हैं ना। एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल बायोस मतलब लाइफ, यानी दोनों जगह पे रह सकता है, टेरेस्ट्रियल पे रह सकता है और ये मतलब उसमें वाटर वाले कंडीशन पे भी रह सकता है ना, ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर ही होते हैं ज़्यादातर, मैराइन नहीं होते हैं, क्योंकि मैराइन होगा तो इसमें एक जो ऑस्मोसिस हो जाएगी, इसकी बॉडी से जो होगा वाटर निकल जाएगा और ये इसकी डेथ हो जाएगी, है ना। ये सब आगे की बातें हैं, हम फिर बताएंगे आपको, बहुत बार ये बताएंगे बातें, सो डोंट बी कन्फ्यूज। हमने यहाँ से देख लिया था हमको कौन कौन से ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़नी, हमको अर्थवर्म की पढ़नी है, है ना, कॉकरोच की पढ़नी है और फ्रॉग की पढ़नी है। यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस, यहाँ से हमको यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ थ्री ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट एबिलिटी लेवल एंड सब ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फंक्शन। इसमें हमको ये बताया कि हमको तीन ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, हमको अर्थवर्म की पढ़नी है, कॉकरोच की पढ़नी है और फ्रॉग की पढ़नी है, क्योंकि हमारा अर्थवर्म जो होता है वो हमारा एनिलिडा का मेंबर है, ठीक है, जो हमारा काकरोच है वो हमारे आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, जो फ्रॉग है हमारा वो हमारा किसका मेंबर है, वो हमारा मेंबर है वर्टिब्रेटा का, ठीक है। तो वही हमको बताया गया है, उनकी हमको फंक्शनिंग देखें, उनमें ऑर्गेनाइजेशन देखना है कैसा है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके फंक्शनिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया भी था, जो मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है, मॉर्फो मतलब होता है एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, है ना, मतलब किसी हम एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के,
जैसे हम बोले कि प्लांट की मॉर्फोलॉजी क्या, ये प्लांट हमको दिया गया है, मान लो हमें मस्टर्ड का प्लांट दे दिया गया, तो हम उसको देख के बता देंगे कि ना कि ये मस्टर्ड का प्लांट, इसमें लीफ ऐसी हैं, इसमें जो फ्रूट्स लगे हुए हैं वो इस टाइप के हैं, है ना, स्टेम की हाइट क्या है, इसमें नोड है, इंटर नोड है, ये सारे के सारे जो होंगे ना मॉर्फोलॉजी, जो बाहर से हम देख के बताते हैं, ये हमको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, इनको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और एनाटॉमी क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, है ना, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑर्गन, ठीक है, बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन हैं उनकी स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। जैसे इन केस ऑफ प्लांट, जैसे हमने प्लांट में देखा था, चैप्टर पढ़ा था हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट, है ना, तो उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखा हमने और उसको डिस्क्राइब किया कि रूट है ये, स्टेम है, है ना, जो फिर हमने देखा था एनाटॉमी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट, है ना, एनाटॉमी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट में हमने देखा था उसमें डाइसेक्शन किए गए थे, उसमें डाइसेक्शन के बारे में आपको बताया था, रूट का डाइसेक्शन था, स्टेम का डाइसेक्शन था, रूट का डाइसेक्शन था, है ना, लीफ का डाइसेक्शन था, डाइकॉट का, मोनोकॉट का, अलग अलग हमको दिखाया गया था। सो वो हमारा एनाटॉमी में आता है, वो हम प्लांट के, वो इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, है ना, वो हमारी प्लांट की बॉडी भी हो सकती है और एनिमल की भी बॉडी हो सकती है, तो उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। टेस्ट में क्या दिया है देख लेते हैं हम, ठीक है। मॉर्फोलॉजी रिफर टू स्टडी टू फॉर्म एक्सटर्नल विजुअल फीचर्स, है ना, मॉर्फोलॉजी से हम एक्सटर्नल जो बाहर से हमको विजुअल फीचर्स होते हैं उनके बेसिस पे हम उसको स्टडी करते हैं, तो उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इन केस ऑफ प्लांट और माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रेसली मीन्स ओनली दिस, है ना, माइक्रोब्स और प्लांट के केस में इसका मतलब ये होता है कि बाहर से एक्सटर्नल फीचर्स को हम देख के बता दें, बट एनिमल के केस में थोड़ा अलग होता है, उसके बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये प्लांट और माइक्रोब के केस में वैलिड होते हैं। इन टर्म ऑफ मॉर्फोलॉजी प्रेसली मीन्स ओनली दिस, है ना, ये माइक्रोब्स और प्लांट के केस में। इन केस ऑफ एनिमल दिस रिफर टू एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, एनिमल के केस में ये होता है, ये एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, बॉडी के अंदर जो पार्ट हैं उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना, ये हमको बताता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारी क्या है, स्केलेटल्स हैं, यानी बोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो ये बॉडी का पार्ट है, ठीक है, तो उसकी स्टडी, उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी हमने अपनी थाई की बोन निकाली, फीमर बोन निकाल दी और उसको देखा कि ये लॉन्ग बोन है, है ना, इसमें ऐसे ऐसे सारी चीज़ उसके बारे में देखा, एक्सटर्नल उसका कैसा लुक है, कैसी दिख रही है, है ना, तो उसको देख के हम बताएंगे कि हमारा ये एनिमल के केस में इसको मॉर्फोलॉजी हम कंसिडर करेंगे। द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंसली इज यूज फॉर द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंसली इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन एनिमल, है ना, तो वर्ड एनाटॉमी जो होता है, जैसे वर्ड एनाटॉमी जो होता है एनिमल के केस में, वो हम यूज करते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द एनिमल, यानी हमने वही मैंने आपको बताया, मान लो हमने अपनी फीमर निकाली और उसमें देखा उसकी, ये हमारा फीमर जो है पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम है, ये हमारे बॉडी के अंदर है, है ना, तो बॉडी का पार्ट हुआ ये, है ना, तो इसको हमने निकाला, इसके एक्सटर्नल अपीयरेंस देखा, मतलब क्या दिख रहा है हमको, ये हमारी बॉडी के अंदर है तो इसलिए इंटरनल ऑर्गन कंसिडर होगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, एनिमल के केस में इसको हम एनाटॉमी बोलेंगे। जो एनाटॉमी होगा हमारा, एनाटॉमी होता है, तो हमारी एनसीईआरटी में एक चैप्टर दिया गया है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा, वो हमारा एनाटॉमी में कंसिडर होता है, ठीक है, उसमें हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, बोन के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारा उसमें हम अच्छे से देखेंगे, है ना, सारी चीज़ मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। तो वर्ड एनाटॉमी कन्वेंसली यूज फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन एनिमल, जो एनाटॉमी वर्ड होता है वो हम कन्वेंसली यूज करते हैं, है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ इन एनिमल, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म, है ना, हमको क्या क्या पढ़ना है, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में हमको पढ़ना है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म के बारे में पढ़ना है, कॉकरोच के बारे में पढ़ना है, फ्रॉग के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे अर्थवर्म होते हैं और कॉकरोच होते हैं, ये हमारे इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, और जो हमारा फ्रॉग होता है वो हमारा वर्टिब्रेट में आता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपको अर्थवर्म के बारे में बताऊंगा, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताऊंगा, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, है ना, उसकी मॉर्फोलॉजी अर्थवर्म का मतलब फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है, ईच एंड एनीथिंग वी डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून विद मी एंड कीप सपोर्ट, इफ यू लाइक माय सेशन सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड्स, सो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे, गिव ए बिग थम्स अप।